अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ग्रेस इंफोटेक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए एमएस वर्ल्ड की एक और वीडियो, जिसमें हम करेंगे आज लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट्स आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड मेन्यू टैब इंसर्ट के अंदर हम पेज के ग्रुप को देखेंगे और इसको समझेंगे। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास कवर पेज। तो कवर पेज किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो अपने पेज अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपने कवर पेज पे क्लिक करना है और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट के अंदर आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि बहुत सारे कवर पेजेस आपके पास मौजूद हैं। स्टूडेंट कवर पेज से मुराद आपकी बुक या आपके नोट्स का जो फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पे आपकी बुक का नेम, आपके बुक के राइटर का नेम और अदर ऑप्शंस लाइक एड्रेसेस और फोन नंबर, ईमेल अकाउंट वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आपको मिल जाती हैं। ये कवर पेज होता है। कवर पेज हमने सिलेक्ट करना है यहाँ पे कौन सा कवर पेज आप लगाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ये टाइल्स मोड मैं इसको पिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि आपका कवर पेज इंसर्ट हो चुका है। कवर पेज हमेशा आपके फर्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है, बेशक आपने जितना भी डॉक्यूमेंट्स पहले टाइप किया हो। अगर उसमें पहले से 2, 4, 10 पेजेस हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेजेस पे मूव कर जाएंगे और आपका कवर पेज फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बैकस्पेस करता हूं, मैं डिलीट करता हूं, ये आपको खुद मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे आप कंपनी का नेम दे सकते हैं। तो कंपनी नेम हम यहाँ पे फर्स्ट कर लेते हैं, हम अपना चैनल का नेम टाइप करते हैं ग्रेस इंफोटेक और नीचे आ जाते हैं टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, हर चीज यहाँ पे दी हुई है, आपने जस्ट आपने टाइप करना है, देखते जाना है। यहाँ पे टाइटल रिक्वायर कर रहा है तो टाइटल आपने यहाँ पे दे देना है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल देते हैं और उसके बाद सब टाइटल में क्या डाल देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको बैकस्पेस करके डिलीट करें और सब टाइटल में हम लिखते हैं MS Word। हम सब टाइटल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑथर नेम देना चाहते हैं। ऑथर नेम में ऑटोमेटिकली जो भी हमारे कंप्यूटर का नेम होता है वही ऑथर नेम यहाँ पे लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको यही रहने देता हूँ। उसके बाद आप ये बता सकते हैं आप कौन से ऑडिशन में वर्किंग कर रहे हैं, कौन सा ऑडिशन आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे ईयर पे क्लिक करते हैं, एरो पे क्लिक करते हैं और देन आप यहाँ पे सिंपली 2 डे कर दें तो आज की डेट या ईयर वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो डिफरेंट कवर पेजेस के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। बाज कवर पेजेस के अंदर मुकम्मल डेट शो हो जाती है और बाज के अंदर सिर्फ ईयर शो होता है, तो आप अगर चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लास्ट पे टाइप द कंपनी एड्रेस, कंपनी का एड्रेस टाइप करें। तो कंपनी एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ हॉस्पिटल रोड बिना चार शेखपुरा। उसके बाद स्टूडेंट आप इसको मुकम्मल देखना चाहते हैं पूरा पेज एक ही दफा अपनी स्क्रीन पे, उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक कमांड होती है प्रिंट प्रीव्यू की। तो प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने शॉर्ट की यूज करनी है Ctrl+F2। जब आप F2 प्रेस करेंगे Ctrl+F2 तो आपका पेज का प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप मुकम्मल पेज देख सकते हैं, इसमें कोई अलाइनमेंट करना चाहते हैं, अगर आप प्रीव्यू देखने के बाद फील करते हैं कि कुछ अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं है तो आप उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप एस्केप के बटन पर प्रेस कर दें तब भी एस्केप हो जाएगा जी। स्टूडेंट्स उसके बाद ये आपने देखा कि हमने एक पेज जो है उसका कवर पेज रेडी किया, तो जब आप कोई और कवर पेज लगाना चाहते हैं बाद में आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर दफा से इसका डाटा दोबारा देंगे। तो जो डाटा आप एक दफा एक पेज पे दे चुके हैं वही कवर पेज का डाटा दूसरे कवर पेज पे खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे
ये मैं चेंज कर देता हूँ ये वाला पेज, और अब आप देख सकते हैं कंट्रोल एफ टू करें और ये देखें, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का टाइटल भी, ऑथर नेम भी, ईयर भी सारा कुछ डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेस इंफोटेक कंपनी नेम, देन उसका एड्रेस और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो कि पिछले कवर पेज के अंदर नहीं थी वो यहाँ पे शो हो रही है, तो उनको आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो बाकी की ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी जो आपने लास्ट कवर पेज में एड की थी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, स्केप करते हैं पहले प्रीव्यू से और देन यहाँ पे क्लिक करते हैं फोन नंबर आप क्या देना चाहते हैं। तो फोन नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पे डेक स्पेस 0301401467 और फैक्स नंबर, फैक्स की ऑप्शन आजकल यूज नहीं भी होती, बहरहाल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ऐड कर दें फैक्स नंबर, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करें फैक्स की ऑप्शन के ऊपर और इसको डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये ऑप्शन डिलीट भी हो जाएगी, ये डिलीट हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख सकते हैं इस वक्त स्टेटस बार पे हमारे पास टोटल पेजेस हैं 2 और हम चाहते हैं एक और पेज इंसर्ट करना। स्टूडेंट्स अभी हमारा पेज कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमने 3 पैराग्राफ लिखे हैं। जब आप नॉर्मली टाइप कर रहे होते हैं तो आपने 2, 4, 5 मजीद पैराग्राफ जब टाइप करेंगे तो आपको पेज, जब एक पेज खत्म होगा तो नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पेज यहीं पे रुक जाए और नेक्स्ट पेज भी इंसर्ट हो जाए, मतलब ये पेज इसी तरह ब्लैंक रहने दें हम और नेक्स्ट पेज इंसर्ट कर दें। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड कमांड है ब्लैंक पेज की, उसके लिए स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्लिक करना, तो आप देखेंगे आपका कर्सर नेक्स्ट पेज पे आ गया और स्टेटस बार पे भी आप देख सकते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस 3 हो चुके हैं। तो स्टूडेंट इसी ब्लैंक पेज को अगर आपने शॉर्ट कमांड के साथ करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मजीद एक पेज इंसर्ट हो गया, पेज टोटल आपके हो चुके हैं 4। कंट्रोल एंटर करते जाएंगे तो आपके नेक्स्ट पेजेस इंसर्ट होते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इस ग्रुप के अंदर लास्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक की। स्टूडेंट्स पहले तो मैं अनडू करके ये पेजेस जो मैंने बढ़ाए थे इनको खत्म कर रहा हूँ, अब वापस हमारे पास वही 2 पेजेस रह गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं इस पैराग्राफ की बैक साइड पे, तो पेज ब्रेक का बेसिकली मकसद होता है कि आपका कर्सर जिस जगह पे मौजूद है इस कर्सर के इस पॉइंट से आपका नया पेज इंसर्ट हो जाएगा और आपका कर्सर से आगे जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा मूव होके नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा, मतलब आपका नया पेज भी इंसर्ट होगा प्लस आपका डाटा भी नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करना है तो आपका डाटा देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर गया। इसी तरह अनडू करता हूं मैं एक दफा फिर से कंट्रोल जी के साथ, और इसको शॉर्ट की से करना चाहते हैं आप तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस रिटर्न की कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में एक नई वीडियो के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।